वेल well, इस ट्रेंड की तो ये बस शुरुआत है मैं बात कर रही हूँ री रिलीजेस की जी हाँ री रिलीजेस हैव मेड अ मेजर कम बैक आफ्टर मेनी ईयर्स ऐसा नहीं है कि पहले री रिलीजेस नहीं होते थे होते थे बट इन अ वेरी स्मॉल स्केल इन अ सिंगल स्क्रीन थिएटर या तो मूवी के एनिवर्सरी पर या फिर किसी को ट्रिब्यूट देने के लिए बट नाउ दिस हैज़ बिकम लाइक अ मेजर बिजनेस मॉड्यूल जस्ट लाइक न्यू रिलीजेस अभी हाल ही में करीना कपूर खान फिल्म फेस्टिवल में पी वी आर आइनॉक्स के हेड ने कहा है कि उन्होंने जो ये फंडा आजमाया अबाउट री रिलीजिंग दैट पीपल्स अटेंशन और वो चाहते हैं कि नाउ दे ब्रिंग द री रिलीज इन स्ट्रेटेजाइज मैनर ताकि इम्पैक्टफुल हो तो सोचा है अभी कि कोई भी री re रिलीज लोग इवेंट बेस्ड करेंगे या तो कोई सोशल फेस्टिवल होगा या तो कोई एक्टर को डेडिकेट करके होगा या फिर कोई जॉनरा वेस्ड होगा तो ऐसा अगर करेंगे दैट विल भी मोर स्ट्रेटेजिक एंड दैट विल सी मोर फुटफॉल क्योंकि अभी थोड़ा बहुत फिर भी रैंम है बट एनी वे देर नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज इट्स अ थिंग दट देवर एक्सपेरिमेंटिंग और ये एक्सपेरिमेंट उनके

Release, it has entered the 100 crore club well that's a good news for them or koigoi movies is list may say hit in its original run but abhi they have become like cult movies they have become massive hits or box office collection kar almost like doubling tripling the original box office collection which is a good thing for the movies and now if i have to talk about the upcoming re releases i am very excited about three films ramayana the legend of prince ram एंड महानगर वेल फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रामायण ये एक एनिमे स्टाइल कार्टून मूवी है जो फर्स्ट रिलीज हुई थी इन दर नाइनटीन नाइन थ्री एंड इट बेस्ड ऑन वाल्मीकिज रामायण और अब इक तीस साल बाद ये री re रिलीज हो रही है थिएटर पे वेल well, मुझे तो इस मूवी का बेसब्री से इंतजार है इट्स गोइंग टू बी रिलीज ऑन एटीन बिकॉज दैट टाइम एवरीबडी लव दिस मूवी क्योंकि उस टाइम पे ऐसा एनिमेशन देखने को नहीं मिलता था तो लेट्स सी आज की जनरेशन को ये एनिमेशन स्टाइल कैसी लगेगी एंड द फन थिंग इज इट वॉज मेड बाय अ कोलेब्रेशन बिटवीन जैपनीज एंड इंडियन प्रोडक्शन हाउस तो दोनों का जो एनिमेशन स्टाइल है वो अलग अलग होता है और उसको कोलैब करके ये प्रोजेक्ट बनाया था तो इट वॉज

मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल इट्स अ वेरी स्वीट रोमांटिक ट्रेजेडी मूवी जो कि उस टाइम पे लोगों को बहुत पसंद आया था स्पेशली जगजीत सिंह का जो गाना है कोई फरियाद ओ oh गॉड अब बात करेंगे हम थर्ड मूवी के बारे में जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये मूवी मैंने कभी नहीं देखी और देखूंगी भी कैसे क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा पुरानी मूवी है बेस्ड इन 1963. इट इज सत्यजीत रे मूवी सो बाय द दो हिमसेल्फ हु इज़ वेरी वेल नोन

आप लोग भी जाइए इंजॉय कीजिए ये री रिलीज वेल विल बी कमिंग बैक अगेन विथ मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऑन मूवीज प्लीज डू कीप वॉचिंग बजूका रिव्यूज दिस इज मे इशिता साइनिंग ऑफ थैंक यू